मध्य प्रदेश राज्य से आज इन्हें चौथा दिन है और इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अध्यापकों का काम है पढ़ाने का, आज इनको मध्य प्रदेश सरकार ने अर्ध नंगन करके इनको धरना प्रदर्शन करा भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। बड़े विडम्बना वाली बात है, जिन अध्यापकों को स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहिए था, आज वो जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आपका नाम? सियाराम पटेल, प्रदेश मीडिया प्रभारी, राज्य अध्यापक संघ मध्य प्रदेश। सर, आपकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं? विगत 18 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन में अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगें हैं, जिनमें हम लोगों को सर्वप्रथम शिक्षा विभाग में सम्मिलियन हमारी मांग है, क्योंकि हम लोग 18 वर्ष से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं और काफ़ी समस्याएं हैं, जिनमें अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलीकरण, नियमित पेंशन 2005 के पूर्व नियुक्त अध्यापकों को नियमित पेंशन, और इसके अलावा बंधन मुक्त स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति, राज्य कर्मचारियों के समान जस का तस सातवां वेतन आदि, ऐसी हमारी विभिन्न प्रमुख मांगें हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन से लड़ते हुए 18 वर्ष हो गए हैं और आज हम लोगों को इस स्तर पर आना पड़ा कि अर्धनग्न होकर हम लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके पूर्व भी हम लोग 10 साल पहले माननीय पूर्व प्रांताध्यक्ष मुरलीधर पाटीदार के नेतृत्व में यहाँ आए थे, तब हम लोग शिक्षाकर्मी संवर्ग में 500 रुपये इससे लेके 2000 रुपये के मूल वेतन पे काम करते थे। दिल्ली से हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ के गए थे और अध्यापक संवर्ग का गठन हुआ था। उस समय हमारे प्रदेश के माननीय मुखिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे, उन्हीं की मध्यस्थता में यहाँ आंदोलन हम लोगों ने समाप्त किया था। आज वो विगत 13 वर्षों से प्रदेश के मुखिया हैं और हमारी निरंतर जस की तस मांगें आज भी वही बनी हुई हैं। हमारा मध्य प्रदेश शासन से लड़ते हुए करीब 2.5 साल सही तरह से फिक्स नहीं हो पाया है, एक के बाद एक जो आदेश देते हैं वो विसंगति लेके आता है, तो इस प्रकार की अनेकों समस्याएं हैं जिनका हम लोग समाधान चाहते हैं। हम लोग यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अपनी पीड़ा सुनाने आए हैं और हम लोग यहाँ से अपना हक लेके ही वापस जाएंगे। हम यहाँ से अपना हक लेके ही वापस जाएंगे। तो सर, आपका क्या मानना है, क्या कि जो इतने दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप एक अध्यापक हैं, अध्यापकों का काम है स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना, तो क्या मांग है आपको, किन मांगों को लेके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम राष्ट्र निर्माता हैं, राष्ट्र का निर्माण करना बहुत अच्छे से जानते हैं, हम स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, पर सरकारें हमको सिर्फ पढ़ाने के अलावा हर काम कराना चाहती है, हमसे मवेशी की गणना कराना चाहती है, हमसे घरों की गणना, पेड़ों की गणना, तमाम सब काम कराना चाहती है। मध्य प्रदेश की सरकार शिक्षा नीति को समाप्त करने का कुछ से प्रयास कर रही है। हम मध्य प्रदेश की शिक्षा को बचाने के लिए मोदी जी के सामने गुहार लगाने के लिए आए हैं कि मध्य प्रदेश की सास की शिक्षा को बचाओ, और हम शिक्षा विभाग में काम करने के बाद पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं, ऐसी दुर्दशा में हम वहां काम करते हैं और उसके बाद भी स्कूलों में 25% निजी स्कूलों में प्रवेश देना, सरकारी शिक्षा को बर्बाद कर देने का जो सरकार षड्यंत्र रच रही है, हम गरीब नौनिहालों की शिक्षा को बचाने के लिए आज दिल्ली में आए हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के गरीब लड़के, नौनिहाल लड़के का भविष्य सजे सवरे, हम उनको बहुत अच्छी शिक्षा दें। हम चाणक्य और संदीपनी के वंशज हैं, हम अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं, यही मोदी जी के सामने गुहार लगाने आए हैं कि हमको शिक्षक बना दो। कल शिक्षक दिवस है, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम उस जन्म दिवस में चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हमारी बात सुने और हमको शिक्षक बनाए। हम तो ऐसी दशा में जी रहे हैं कि एक हमारे यहाँ फसल का बीमा होता, मजदूर का बीमा होता है, भैंस का बीमा होता है, बकरी का बीमा होता है, सबका बीमा होता है, पर अध्यापकों का बीमा नहीं होता। ऐसी दुर्दशा में जीवन जीने के मजबूर हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, हम शिक्षा विभाग में संविलियन चाहते हैं, हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन सरकार कर दे,
हम हर शासकीय मध्य प्रदेश के स्कूल को डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल से बेहतर बनाने का मादा रखते हैं। ऐसे चाणक और संदीपनी के वंशज यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं मजबूर होकर विवश होकर, और हम ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार माननीय मोदी जी हमारी बात सुने और हमको शिक्षक बनाए, हम न राष्ट्र को न स्वर्णिम बनाने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। आपका कहना है कि स्वर्ण बनाने का हम ऐसा विश्वास करते हैं, तो ऐसे आपके अध्यापकों की टोटल क्वांटिटी टोटल गिनती कितनी है जो कि आपको स्वर्ण में नहीं किया जा रहा है? 3 लाख कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, हमारे अध्यापक भाई हैं, 3 लाख से अधिक है, निरंतर भर्ती भी होती जाती है, लेकिन अब उन्होंने एक और नीति चलाई है अतिथि शिक्षक की। तो अध्यापक पहले शिक्षाकर्मी बनाया, शिक्षाकर्मी बंद करके संविदा शिक्षक बनाया, अब तीसरी क्वालिटी उन्होंने अतिथि शिक्षक की निकाली। एमपी में अभी भर्ती नहीं हो रही है, लगातार 4 सालों से भर्ती बंद करे हुए हैं, किसी किस्म की कोई भर्ती नहीं, अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है, उनका भी वेतन हमसे बहुत कम है। दूसरी बात, हमारे यहाँ लगातार हम लोग शिक्षा विभाग के पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, परंतु हमें पंचायत का कर्मचारी माना जाता है। हमारी बहनों को CCL संतान पालन अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा। आप खुद बताएं कि क्या 2 महिलाओं को एक बच्चों को अलग अलग, या आप अपनी बात कहें, महिलाओं की तो बात अलग है, महिला अपनी बात रखेंगे। हमारा शिक्षा विभाग में सम्मेलन होना नितान्त आवश्यक है, 20-20 साल की सर्विस हो गई हम लोगों की, इसके बावजूद भी अभी हम पंचायत के ही कर्मचारी बने हुए हैं। हमारी कोई भी कटौती, हमारा कोई भी, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारी जो कटौती है तो उसका कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं होता, ना ही उसको हम बीच में निकाल सकते हैं। हमारे अनुकंपा नियुक्ति नहीं है हमारे यहाँ, अगर कोई मर जाता है अध्यापक, उसके परिवार को 1 रुपए का लाभ नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। और आज हम यहाँ आए हैं दिल्ली में, मोदी जी से हमारी गुहार है कि मोदी जी न्याय करेंगे, और मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री महोदय को आज ही आदेश करें कि कल शिक्षा विभाग में सम्मेलन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन किया जाए, इसका आदेश किया जाए, कैबिनेट में प्रस्ताव लाओ, अध्यापक को शिक्षक बनाओ। अभी आपने बताया कि जो ये जो आपका जो सिलेक्शन होता है ये आयोग द्वारा होता है या ये ग्राम पंचायत के द्वारा होता है या और कोई नीति के तहत होता है, आपका जो संचालन जो होता है किस माध्यम से होता है? व्यापम परीक्षा के द्वारा हमारी जो नियुक्ति होती है, अब वर्तमान में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति होती है। हम विगत 1994 से शिक्षाकर्मी के रूप में आए हैं, 1994 से आज तक अध्यापक के रूप में 2007 में हमारा सम्मेलन हुआ है। इसके बावजूद भी आज भी हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो है विगत हमारे लगभग 20-21 वर्षों से शोषण कर रही है, जिसके लिए हम लोग शिक्षा विभाग के सम्मेलन के लिए पूरी तरह से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे अरसे से, और सरकार जो है वास्तविक मुद्दे पर न जा करके किसी मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रही है। हमें चाहते हैं कि हमारे अध्यापकों का शिक्षा विभाग में सम्मेलन हो और हम प्रदेश को एक स्वर्णिम प्रदेश बनाने की भूमिका में अपनी हम अहम भूमिका निभा सके, ये हम लोगों का मानना है। और हम लोग अगर जब तक शिक्षा विभाग में सम्मेलन नहीं होगा तो हम लोग डू आर ड्राई की स्थिति में निरंतर संघर्षरत रहेंगे, ये हम लोगों का कहना है और हम लोगों का संकल्प भी है कि हम लोगों की ये लड़ाई जो है अंतिम आर पार की अंतिम लड़ाई होगी। वो गए हमें सास ने ज्ञापन देने गए यार, वो बुरा नहीं लगे। आइए और जानकारी लेते हैं कि इनकी समस्या क्या है। सर, ये आपकी समस्या एक राज्य स्तर की है, तो आप केंद्र सरकार से क्यों गुहार लगा रहे हैं? आपको तो राज्य सरकार से गुहार लगानी चाहिए। विगत 18 वर्षों से लगातार शासन के समक्ष हम लोग अपनी विभिन्न मांगों के तहत बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन जो भी सरकारें आती हैं, अभी आपने देखा होगा कि बात चल रही थी शिक्षा का निजीकरण हो। हमारा कहना यह है कि जिन गांवों में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होता, सिर्फ एक ही शासकीय विद्यालय है, वहां की आबादी 200-400 है, ऐसे दूरस्थ अंचलों में हमारे शिक्षक कार्य कर रहे हैं, अध्यापक कार्य कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि अब हमारी उम्र 55 से 50 साल, हमारे कुछ अध्यापक इस समय सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। जिस दिन उनकी सेवानिवृत्ति होती है, उनके पास कोई बजट नहीं होता, कोई फंडिंग नहीं होती। मेरी बेटी की शादी मुझे करना है, लेकिन मैं 1 रुपये शासन से नहीं ले सकता हूं। हमने जो आज तक कमाया, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, यदि हमारे लोग उस समय प्राइवेट सेक्टर में चले गए होते, क्या उनको प्राइवेट सेक्टर में आज उनके पास कोई फंड नहीं होता? अगर हमारा अध्यापक आज मर जाता है तो उसे 10,000 का जो ग्रेसिया है वो भी नहीं मिलता है, उसे अंतिम राहत नहीं मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश शासन भारत के इस मानचित्र में ये बताने की कोशिश करते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय कि
हम वहाँ एक गरीब का, एक हम्माल का, एक किसी भी प्रकार के मजदूर का वेतन में इजाफा करते हैं, उसको 7 दिन का अवकाश देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन हम ये चिल्ला रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो दूरस्थ अंचल में जहाँ कोई शिक्षा की सुविधा नहीं है, उन गाँवों में हम बच्चों को शिक्षण करा रहे हैं, लेकिन आज हम रिटायरमेंट के करीब आ गए। जिस दिन हम रिटायरमेंट होते हैं तो हमारे ही साथी हमें एक सिर्फ माला पहनाते हैं, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं होती, हमारे बच्चों के लिए जो हमें शादी करना है वो नहीं होता। आज 1642 अध्यापक हमारे काल कौलित हो गए हैं, मृत हो गए हैं। अभी हमारे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे, हरदा जिला एक ऐसा है कि वहाँ की एक महिला भीख मांग करके अपना बच्चों का पालन पोषण करने को आमदा हो रही है। तो हमारा कहना ये नहीं कि हमको कोई आप 7वां दे दो, 8वां दे दो, 9वां दे दो, लेकिन हमारे भविष्य की जो चिंता हमको अब सता रही है वो एक कर्मचारी का हमें दर्जा दे दो। और ये जो निजीकरण की बात बंद करने की कर रहे हो, एक स्कूल में पूरे सरकार साल भर में 5,000 रुपये देती है उसके मेंटेनेंस के लिए, और वहाँ 200 या 250 या 150 बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के ऊपर एक प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट स्कूल को देने के लिए 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करती है। ऐसी स्थिति में हमारा मानना ये है कि उन ग्रामीण बच्चों के साथ हित करो, और इसके साथ जो हमारी स्थिति है, हमें चूँकि हमने अपना जीवन खपा दिया, अगर ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारा एक एक व्यक्ति का पूरा अधिकार है, और हम चाहते हैं तेरा गौरव अमर रहे माँ, हम आज शिक्षण करना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं बैठना चाहते। समाज आज हमारे ऊपर लांछन भी लगा सकता है कि आपको स्कूल में होना चाहिए, ये बात आप भी कर सकते हैं, हमें होना चाहिए था, लेकिन हमारा सब्र है। आज मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, आज मैं अपने बूढ़े माता पिता की नज़रों में हम कभी अच्छे बालक नहीं साबित हो पाए। हम इतना कम 500 रुपये की नौकरी करते करते आज भी उस एक विद्यालय में, एक तरफ भारतीय संविधान ये व्याख्या करता है कि समान कार्य का समान वेतन, अगर कोई मजदूर आप लगाते हैं, मैं आपसे ही मीडिया से ही प्रश्न कर रहा हूँ, अगर कोई मजदूरी करने जाएगा क्या ये संभव है कि एक को 150 रुपये दिया जाए और एक को 300? शायद आप यही कहेंगे कि नहीं, लेकिन हमारे साथ 18 वर्षों से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा भारतवर्ष उनकी तरफ देख रहा है, हम अध्यापक हैं, इसलिए ये जो जितने लोग आप देख रहे हैं, हम 2,84,000 हैं, उनको हमने कॉल नहीं किया, हमारी यूनिट ने, प्रांतीय कार्यकारिणी ने कॉल नहीं किया, ये सिर्फ सिलेक्टेड लोग आए हैं, जिले के अध्यक्ष आए हैं या प्रांतीय पदाधिकारी लोग आए हैं, और लगभग 250-300 लोग यहाँ आए हैं। हम सिर्फ अपना एक संकेत देना चाहते थे, माननीय जो HRDA के हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी, उनसे मिलने का हम कोशिश करना चाहते थे, अपनी बात ये भारत के मानचित्र पर हम रखना चाहते थे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उस पर श्रीमान जी मत जाइए। अगर ऐसा हुआ तो जो कांग्रेस ने 15 साल तक हमारे साथ शोषण किया था, 10 साल तक दिग्विजय सिंह ने किया था, वही स्थिति मध्य प्रदेश में, जो BJP आज माननीय अमित शाह जी कह रहे हैं कि हमने 17 प्रदेशों में हमारी सरकार कायम हो गई है, कहीं ऐसा ना हो ये उल्टा गिनती शुरू हो जाए। और मैं ये भी निवेदन कर दूं कि हम ही वो एक ऐसे अध्यापक हैं जहां शासकीय नुमाइंदा उस गांव में कोई नहीं होता, बल्कि वहां हम होते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के अपने, चाहे वो प्रदेश की बात कर लें, चाहे देश की बात कर लें, चाहे विदेश की बात कर लें, अगर वहाँ का ग्रामीण कोई भी आस्था रखता है तो वो अध्यापक के ऊपर रखता है, और उस सारी बात का, सारी शासकीय योजनाओं का जो अमली जामा पहनाने का कार्य करते हैं वो हम करते हैं, और चूंकि हम भारत के नागरिक हैं तो हम इस भारत माता का गौरव करना चाहते हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम कर्मचारी रहे हैं तो हमें कर्मचारी का दर्जा मिल जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं।